प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हो गई है। तंबुओं के शहर में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु एक महीने का कल्पवास करते नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए कल्पवासी चेहरे पर मास्क लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम जब मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 3 पर पहुंची तो कई जिलों से आए श्रद्धालु कल्पवास करते दिखे। कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालु संगम की रेत पर तंबुओं में रहकर कल्पवास करते हैं। भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल के 11 महीने घर में रहकर और एक महीने मोह माया से दूर रहकर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु माघ मेले में धर्म की नगरी प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर एक महीने तक वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। यहाँ पर जो है कोरोना का पूर्ण ध्यान रखते हुए 2 टाइम गंगा स्नान करते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं और पूरी तरह से जो है गंगा का मतलब स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ पर जो है सभी लोग अपने नियमों का पालन कर रहे हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हमारे यहाँ के जो कल्पवासी आए हैं कोविड-19 का पालन करते हुए सभी मास्क लगाते हैं, सभी गंगा स्नान करते हैं, सुबह दोपहर को फिर तुलसी जी की पूजा करते हैं, फिर 2 बजे से 5 बजे तक सत्संग करते हैं। कल्पवास का मतलब होता है कि हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि एक बार जो कल्पवास करता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सबसे पुण्य आत्मा है, यहाँ बैठने पर जीवन का जो सत्कर्म है कल्पवासियों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से कल्पवास 1 महीने तक करते हैं, 12 वर्ष पूरा होता है, फिर उद्यापन करते हैं। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही संगम की रेती पर कल्पवास भी शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का स्नान के साथ 1 महीने का ये कल्पवास होता है जो माघी पूर्णिमा में खत्म होता है। हम मौजूद हैं तंबू के शहर में, आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं जो 1 महीने तक इसी संगम की रेती पर कल्पवास करेंगे और यहाँ पर धार्मिक गीत जो हैं वो गाए जाते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है। और अगर हम कल्पवासी की बात करें तो 1 महीने तक ये लोग 2 समय नहाते हैं और 1 समय साधारण जो भोजन होता है वो खाते हैं। बेहद ठंड पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं आस्था डिगी नहीं है और यहाँ पर धार्मिक गीत गाए जाते हैं और रामायण और गीता का जो पाठ है वो साधु संत और श्रद्धालु यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन से दूर रह करके 1 महीने तक यहाँ पर कल्पवास करते हैं और देश के कोने कोने से ये सभी कल्पवासी आते हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान पर जब ख़त्म होता है तब यहाँ का कल्पवास भी ख़त्म हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।